ये कहानी है सरिता की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति केशव और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहती थी। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? जी आई। क्या हुआ जी, बड़े खुश लग रहे हो। अरे बात खुशी की ही है, अपने सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है, हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, तो तैयार रहना। अरे वाह, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना। हाँ वो तो है, वहाँ शहर के भी बड़े बड़े लोग आएंगे। और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो अपना बंटी बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा। सरिता गांव के सरपंच रामलाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। केशव सरिता और बंटी को लेकर शादी में पहुंचा। पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन सजे हुए थे, मगर सरिता और केशव की नजर बस पालक पनीर के बर्तन पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भरपेट पालक पनीर खाया और छोटे बंटी ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वाद चखा। असल में केशव की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में दो वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए, यही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन। माँ, माँ मुझे वो खाना है। क्या बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हरा हरा सा, जिसमें वो सफेद सफेद डब्बे थे। अच्छा वो, अरे मेरे प्यारे लल्ला, उसे पालक पनीर कहते हैं। हाँ माँ, वही पागल पनीर। अरे मेरे लल्ला, ठीक है ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पागल पनीर। ठीक है माँ। हंसी हंसी में सरिता ने बंटी से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये करेगी कैसे। केशव एक छोटा किसान था, जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था, और ये बात सरिता भी अच्छे से समझती थी। उफ, बंटी से बोल तो दिया पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा, और अभी तो बहुत तंगी है, इनसे बात भी की तो बहुत गुस्सा करेंगे, अब क्या करूं मैं। इसी उधेड़ बुन में सरिता का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही सरिता को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने केशव से रुपए मांगे नहीं थे और बंटी सुबह से ही पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। सरिता बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया, वो जल्दी से पड़ोसी के खेत से थोड़े से ताजे पालक के पत्ते मांग कर ले आई। फिर उसने गुथे आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक पकाकर उसमें बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया। और फिर, माँ जल्दी लाओ ना, पागल पनीर बना नहीं क्या अब तक? बन गया लल्ला, लो ये रहा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। मासूम बंटी बिना कुछ समझे बूझे खाता गया, मगर सरिता अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि वो तो सच जानती थी। फिर उसी शाम, बाबा आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया? अब क्या बनाया बेटा? माँ ने आज वो शादी वाला पागल पनीर बनाया खाने में। क्या? अच्छा। उसे पालक पनीर कहते हैं बेटा। केशव बंटी की बात पर हंसा, पर वो हैरान भी था कि आखिर पालक पनीर बनाने के लिए सरिता पैसे कहाँ से लाई। उसने फौरन अंदर जाकर सरिता से पूछा, सरिता वो बंटी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है? जी वो, मैं वो। लाओ थोड़ा सा हमें भी चखा दो फिर। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो केशव को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे केशव के सामने भी वही पालक की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौकोर टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही केशव को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने सरिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। केशव ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया। केशव के इस तरह के बर्ताव से सरिता और ज्यादा डर गई, वो और रोने लगी। फिर कुछ देर बाद केशव घर वापस आया तो उसके हाथों में एक थैला था। बंटी, ओ बंटी, जल्दी से बता शाम को मेरा बेटा क्या खाएगा? मैं तो वही खाऊंगा माँ ने बनाया है ना, वो पागल। हाँ हाँ समझ गया, चलो अब हम सब मिलकर असली वाला पालक पनीर बनाएंगे। केशव के हाथों में पनीर, क्रीम और बाकी मसाले थे, जो उसने मुस्कुराते हुए सरिता को थमा दिए। वो सारा सामान उधार लेकर आया था। उस दिन सरिता ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पालक पनीर बनाया। जब तक पालक पनीर बनकर तैयार हुआ तो केशव और बंटी वहीं रसोई में बैठे सरिता को बड़े ध्यान से देखते रहे, और फिर जैसे ही सरिता ने असली पनीर के साथ पालक पनीर उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल गए। पहला निवाला खाते ही बंटी सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गया। ये वाला पागल पनीर तो
शादी वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। सच में सरिता, बंटी बिल्कुल सही बोल रहा है, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है अब तुम्हारा ये पालक पनीर ही हमारी किस्मत पलटेगा। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं कई दिनों से खेती छोड़कर एक ढाबा खोलने के बारे में सोच रहा था। खेती की जमीन तो है ही अपने पास, उसी में एक छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे, जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मजदूरी भी ना देनी पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है, तुम चलाओगी ढाबा और मैं और बंटी करेंगे तुम्हारी मदद। केशव की बात सुनकर सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे खाना बनाने का हमेशा से शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब उसका ये शौक उनकी कमाई का जरिया बनने वाला था, तो सरिता भी पूरी तरह से तैयार थी। अगले ही दिन से केशव ने बांस बल्लियों की मदद से ढाबा बनाना शुरू कर दिया और पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद सरिता का पालक पनीर ढाबा बनकर तैयार हो गया। शुरुआत के लिए केशव को थोड़े पैसे कर्ज पर लेने पड़े, लेकिन फिर सरिता की मेहनत और लगन ने वो कर दिखाया जिसकी केशव ने उससे उम्मीद लगाई थी। यूं तो सरिता ढाबे के लिए खाने के लिए कई चीजें बनाती थी, लेकिन उसका बनाया पालक पनीर ही सबसे ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। भाई वाह, मजा आ गया भाई। भैया पालक पनीर में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आया, बता रहे गजब बना भैया, गजब कसम से। किसने बनाया वैसे, कोई खास कारीगर है क्या आपके पास? है जी हाँ है ना, और वही इस ढाबे की असली मालकिन भी है, वो मेरी पत्नी सरिता, उसी ने बनाया है सब कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो फिर ठीक है, देखो भैया अगले महीने मेरे घर में दावत है, तो दावत के खाने का पूरा आर्डर आपका है, बस इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है पहले ये तो बताइए। भाई अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसा ही पालक पनीर है, बाकी सब आप देख लेना। करीब 250 लोगों की दावत है, और हाँ एक बात और, ये दावत निपटा लो, फिर एक काम और है आपसे। जी वो क्या? मेरा बेटा इंटरनेट पर हुनरमंद लोगों की वीडियोस बनाकर डालता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा देगा। सरिता के बनाए पालक पनीर और उसके ढाबे को अब पहचान मिलने जा रही थी। केशव और सरिता बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था बंटी। आखिर हर रोज उसका मनपसंद पागल पनीर जो खाने को मिल रहा था उसे। बीनू और चंदन आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होने को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी, जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ मीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया, तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भागे को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को कलघर में काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली मंडी जाती है और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती है उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझे गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए।
ठीक है बहन, ले जाओ, वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काट कर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चेक कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब सातवा महीना लग गया था जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी। इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं? हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहाँ पहुँच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं, लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। इसके बाद बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुँचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ, एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कोई और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए, लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था इसलिए उसने अपनी मदद के लिए दो लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।